अस्सलाम वालेकुम YouTube फैमिली, आज हम बनाएंगे कैरी का अचार जो मुश्किल से 10 मिनट के अंदर बनेगा। आमतौर से कैरी को छील कर वो छिलकों के साथ भी रखकर पीसेस बड़े बड़े बनाकर हल्दी नमक लगाकर भी एक दो दिन धूप में रखते हैं, उसके बाद अचार बनाते हैं और एक छोटे छोटे पीसेस में बनाते हैं, वो भी फ़ौरन बनता है लेकिन उसको भी बनने में टाइम लगता है। लेकिन ये वाला अचार हम जो बनाएंगे आपको, ये सिर्फ 10 मिनट में बनेगा। इसको हम पकाएंगे, हम कैरी के छिलके उतार कर इसके छोटे छोटे पीसेस काट लेंगे। ये चार कैरियाँ लिए, ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा कैरी हो, कि बस आपका दिल चाह रहा है, इसलिए कैरी का मौसम है इस वक्त, कैरी खुद भी खाने का दिल चाहता है कि नमक मिर्ची लगा के खाएं या चाट मसाला या अचार खाएं, तो ये फ़ौरन झटपट से बन जाता है अचार। कोई मेहमान आ गया है फ़ौरन आप 10 मिनट में, ये भी अचार 10 मिनट से भी कम टाइम लगता है इसके बनने में। ये हमने काटना शुरू कर दिया है और मसाले भी मैं आपको बता दूँ, इसमें सबसे पहले तेल गर्म करके राई और कलौंजी डलेगी थोड़ी सी, इसको ज़रा सा कड़काया जाएगा, उसके बाद लहसुन अदरक पीसी हुई मिर्च हल्दी और हसबे जायका नमक, ये डालकर हम अच्छी तरह से इसको थोड़ा सा भून कर पकाएंगे। पानी बिल्कुल नहीं डलेगा, तो थोड़ा सा भूनने के बाद फिर इसमें हम कैरी डाल देंगे और हरी मिर्चें, हमने हरी मिर्ची रखी इसमें, ये देखिए ये हरी मिर्ची भी रखी है, ये हरी मिर्ची और कैरी डालेंगे। अब हम इसे काट कर पीसेस बनाकर आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमने कैरी के पीसेस छोटे छोटे काट लिए हैं, अब बीच में से ये हरी मिर्चों को भी चीर कर रख देंगे। अब इसको हम बनाएंगे तेल में, आपको दिखाते हैं आगे। ये देखिए हमने तेल गरम करने चढ़ा दिया है, अब इस तेल के अंदर हम डाल देंगे कलौंजी और राई। कलौंजी राई हवा जैसे कड़कड़ा जाएगी, अब इसमें हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, भी थोड़ी सी हो जाए तो फिर हम डालते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट। ये देखिए जरूरी नहीं कि आप इस लहसुन का ही पेस्ट डालें, अगर आप इस दोनों पेशे में हैं और कोई मेहमान आया है जल्दी में बनाने, वरना सिर्फ लहसुन का पेस्ट ही डलता है इसमें। या आपका खुद का भी दिल चाह रहा है बहुत से पैसे जल्दी से अचार खाने का, ये फ़ौरन ही कोई अचार बन जाता है झटपट। मेरे से हमारा लहसुन होना शुरू हो चुका है, इसमें अब हम तीनों मसाले डाल देंगे, नमक हल्दी और पीसी हुई मिर्च। इसे पानी का एक कतरा भी मत डालिएगा। हाँ, इसमें सिर्फ ऑयल ज़्यादा लीजिएगा, ऑयल अचार में ज़्यादा होता है। ये थोड़ा सा भून जाए फिर हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमारा मसाला भून चुका है, अब इसमें हम हरी मिर्च डालेंगे। अब इसमें फौरन ही हम कैरी भी डाल देंगे। ये बहुत मज़ेदार सा अचार बनता है और बहुत जल्दी बनता है, एक दफ़ा बना कर ट्राई ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर कि कैसा बना। अब इसको थोड़ी देर कैरी गलने के लिए हम इसको रख देते हैं, थोड़ी सी कैरी हमारी गल जाएगी तो फिर हम इसको करेंगे सर्व। ये देखें रखे हुए 3 से 4 मिनट हो गए, हल्की हल्की हमारी कैरी गलने शुरू हो गई है, इसको मज़ीद और 3 से 4 मिनट रखेंगे, ये मुकम्मल अच्छी तरह से निकल जाएंगे। देखिए तो टूटना शुरू हो गई हमारी कैरी, ये देखिए थोड़ा सा और हो जाए फिर इसको हम ठंडा करेंगे और फिर उसको किसी भी उसमें बोतल में डालकर आप फ्रिज में भी रख सकते हैं और बाहर भी रख सकते हैं। ये देखिए हमारी कैरी कितनी अच्छी सी गल चुकी है, हमारा अचार बिल्कुल तैयार हो चुका है, इस उस पर हम अब चूल्हा बंद कर देंगे। अब इसको इसी में ठंडा होने देंगे, जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसको बोतल में निकालेंगे। ये देखिए हमारी बोतल बिल्कुल रेडी है, ठंडा होते ही हम इस बोतल में डालकर उसको आराम से बाहर रख कर भी आप 1 हफ्ता 15 दिन तक खा सकते हैं, फ्रिज में भी रख कर 15 दिन तक आराम से खा सकते हैं, 15 दिन महीना भर आराम से इसको खा सकते हैं, चाहे तो ज़्यादा बना लें या कम बना लें। अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें
इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।